खाते रहने से हम खुद बीमार होते गए। दवा कब तलाशेंगे? अल्ट्रासाउंड और एक्सरे तो बहुत हो चुका, ऑपरेशन कब होगा? इसलिए आज की नशिस्त बहुत अहम है। उन लोगों के लिए अहम है जो अभी जिंदा हैं, मरी हुई लाशों के लिए ये मीटिंग नहीं है। और ये मीटिंग उनके लिए भी नहीं है जो आलिम बने हैं दौलत कमाने के लिए, ये नशिस्त उनके लिए भी नहीं है जो जीते हैं सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए, ये नशिस्त उनके लिए है जिनके वजूद में आकाबरीन अहले सुन्नत के खिलाए हुए लुक्मे का एहसास जिंदा है। इसलिए आज जलसा नहीं है और आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि आप उतने ही मशवरा दें जितनी आप मदद कर सकते हो, वरना मशवरे की मुकम्मल किताब लिख दीजिए और मुसन्निफ खुद ही अमल ना करे तो बेहतर है। रोशनाई और कागज बचाने से बेहतर है वैसी किताबों को जला देनी चाहिए। हुकूमत से आप लड़ने को तैयार हैं, स्टेजों पर गरम गरम तकरीरें करके नारा लगवा लेते हैं आप, और मेरी कौम भी किस नशे में है, माफ कीजिएगा, जिस वक्त नशा उतरेगा ना उस वक्त नस्लों की निशानी तो दूर की बात रही, कब्रों की निशानी भी नहीं बचेगी। ये मेरी बातें अब भी आपको समझ में नहीं आ रही, ये दो चंद साल के बाद समझ में आएगी। इसलिए कि सड़क से लेकर हुकूमत तक, ऐवान से लेकर सहाफत और कलम तक, कहीं इखलास कहीं इंसाफ जिंदा नहीं है। बहुत बड़ा मसला था और वो मसला ये था कि हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं जिसका रिश्ता सिर्फ कुरान से, ईमान से, हदीस से, खालिस मजहब से है, उसमें अदालतें दखल अंदाजी देने लगी। ये चीखना, ये चिल्लाना, ये जुब्बा फाड़ लेना, ये स्टेज पर चीख करके खुदकशी कर लेना, इसके अलावा क्या है? लेकिन सन 1968 में हमारे बुजुर्गों ने महसूस किया, सन 1968 में, कि चीखने चिल्लाने और बीमारी बताने से बेहतर है हम दवा खुद तैयार कर लें। और सन 1968 में गैर मुनकसिम बिहार, बिहार झारखंड जब एक था, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी, मुजाहिदे दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन के चौचवी वगैरह, हमने सीवान में 250 अकाबरीन अहले सुन्नत को इकट्ठा किया। 250 हमारे लोग तो अपने जलसों का पोस्टर पढ़ते हैं, अपने अकाबरीन की खिदमात की तारीख नहीं पढ़ते। आज बाप दादा की लगाई हुई फसल काट रहे हैं,
लेकिन कभी किसी अदारे वाले को तौफीक नहीं होती। ये जल कर बोल रहा हूं कि उन बुजुर्गों के ईसाले सवाब के लिए भी कभी कोई ये कुरान खानी एक घंटे की करा दे। सेठों के वफात की और इंतकाल की तारीख हमको याद रहती है। सीमेंट और गिट्टी देने वालों की तारीख याद रहती है साहब, लेकिन जिन बुजुर्गों ने किशनगंज में, पूर्णिया में, बाईसी में, तम्मू शामियाना कनात खुद से गाड़ा है, खुद से दीन में ऐलान किया है रिक्शा पर घूम घूम के, जिनकी बदौलत आज सुन्नियत दिख रही है, वो तो हमें कभी याद नहीं रहते। सन 1968 में बुजुर्गों ने तय किया कि हमारा दारुल कजा होना चाहिए। जब हमारे पास खुद दारुल कजा होगा तो हमारे आयली और अजदवाजी मामलात को हम उस अदालत में जाने ही नहीं देंगे जहां मुंसिफ कम कातिल ज्यादा हो, जहां इंसाफ पसंद लोग नहीं हसद की आग में जले हुए लोगों। और इस जुमले की परवाह बलिया भी इसलिए भी नहीं करता कि भारत के संविधान और आईन में यह साफ वाजेह लिखा हुआ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी को मुदाखलत और किसी को दखल देने की कोई इख्तियार, कोई हैसियत नहीं है। बावजूद उसके ना नफका पर दखल, तीन तलाक पे दखल, मौज की लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमान इतना पागल हो चुका है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की बीवी और मुसलमानों के बेटे और बच्चियों के निकाह और तलाक का मसला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। आखिर इसका हल हुकूमत निकालेगी या हम निकालेंगे? शरीयत का तहफ्फुज मुसलमानों पर वाजिब है या हुकूमत पर वाजिब है? इस्लाम के वसूल की का तहफ्फुज मुसलमान करेगा या हुकूमतें करेंगी? अगर एहसास है कि हमको करना है, यह शायद आखिरी मीटिंग होने जा रही है किशनगंज में, हमें दर्द भी है, शिकवा भी उलमाए किशनगंज से। पांच मीटिंग हो चुकी, पांच, या तो मेरा दिमाग खराब है या मैं पागल हो चुका हूं। क्या मतलब है? नारा लगाते रहिए सबसे बड़ी आबादी किशनगंज में आपकी है, तलवे से जमीन नहीं पूरी जागीरदारी निकल चुकी है, गलतफहमी में मत रहिए। और अभी जो बांग्लादेश में एक्सीडेंट हुआ है, माफ कीजिएगा, प्रयोगशाला इसी इलाके को बनाया जाएगा। मुल्क के हालात और मुल्क के तनाजुर में, मुल्क के अक्सरियती तबके के जहन को मुंतकिल करने के लिए तख्ते मश्क आप ही के बच्चे बनेंगे, लिख लीजिए। अदारे शरिया मदरसा नहीं है, अदारे शरिया दारुल उलूम नहीं है। अगर दारुल उलूम या मदरसे का कंसेप्ट या सोच होती तो हमारे बुजुर्ग इसका नाम इदारे शरिया नहीं रखते, कोई दारुल उलूम रख देते। क्यों नहीं रखे? सन 1968 में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला की सदारत में तशरीफ लाए। कुछ कुर्सियां इधर ही, जिसमें हुजूर सैयदुल उलमा भी, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी,
हुजूर बुरहान मिल्लत भी, हुजूर हाफिज मिल्लत भी, ये सारे अकाबरीन जमा थे और बाज़ाब्ता एक वसूल कज़ा मुरतब हुआ कि किन किन बुनियादों पर कैसे कैसे हम आयली और अज़दवाजी मामलात को बैठ करके हल कर लें। यहां तो एक दुकान खुल जाती है, अब तो ऑनलाइन मुत्ते की तरफ पैदा कर दिए हम, कोई डिसिप्लिन नहीं साहब, हम किसको धोखा दे रहे हैं, हम किसका गोश्त खा रहे हैं। सन 1968 से सफर शुरू हुआ, आज 13 सूबों में इदारे शरिया चल रहा, 13 स्टेट में, इतना बड़ा सर्किल शायद किसी तंजीम का होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूं कि रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने अगर बलियाबी पे भरोसा किया तो बिहार से उठने वाली आवाज सन 1968 की इधर 20 सालों में मुल्क के 13 सूबों में दारुल कजा खड़ा हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है अपने दारुल कजा पर। हिंदुस्तान का पहला रजिस्टर्ड दारुल कजा अगर कोई है तो सिर्फ इदारे शरिया का है, सिर्फ एक पन्ना खर्च करना है मुझको, एक पन्ना, एक पन्ना, और सिर्फ एक पन्ना लिख कर दे देना है कि ये एजेंडा है, ये रजिस्ट्रेशन है। शरीयत बेचने वालों के हाथ में हथकड़ी लगने से कोई नहीं रोक सकता, ऑथराइज है। और इसको लेने के लिए बलियाबी को कितनी जद्दोजहद करनी होगी पड़ी है वो मैं जानता हूं, इसलिए कि पैरलर बमुकाबिल किसी तरह के फैसले का कोई इख्तियार दे दे ये मुमकिन नहीं था। लेकिन ये दारुल कजा है, हम डंडा नहीं चला सकते, हम हथकड़ी नहीं पहना सकते, हम दुर्रे नहीं मार सकते, हम जेल में नहीं डाल सकते। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म बताकर अगर दोनों फरीक ईमान वाला है तो हम राजी इस बात की कर रजा इस बात पर रजामंदी लेते हैं, राजी कर लेते हैं कि तफरीक और तलाक से दो खानदानों की तबाही के साथ साथ जो दो के मिलन और दो के निकाह के बाद जो औलादें पैदा हुई हैं उनका मुस्तकबिल कीड़े मकोड़े का न बनने पावे। 99% मामलात सुलह और मसालेहत से हल कर लिए जाते हैं, आपको नहीं पता है ना, होगा भी नहीं, इसलिए कि हमें फुर्सत कहां है पता करने की। 2024 की रिपोर्ट है, 13 सूबा 13 स्टेट में मिला तकरीबन 7,500 से ज्यादा मुसलमानों के अज़दवाजी तनाजुआत को हल करके करोड़ों करोड़ रुपया इदारे शरिया ने बचाया है मुसलमानों का। यह छोटा काम है क्या? यह बहुत छोटा काम नहीं है। 3 तलाक का मसला आया, जुब्बा फाड़ तकरीरें खूब हो गई, लेकिन उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौन गया है? सिर्फ इदारे शरिया गया। बहुत ललक थी, बहुत उमंग था, बड़े जज्बात थे मेरे अंदर के साहब किशनगंज पूर्णिया तो मेरे बुजुर्गों की राजधानी है,
लेकिन बर्फ की तरह जमने पर बलिया भी मजबूर हो गया। जब मेरे उलमा खुद कहें कि साहब इसमें हमको क्या फायदा होगा, जब आलिम और वारिस अंबिया कहे कि हमको क्या फायदा होगा, तब इसके आगे कुछ बच नहीं जाता है कहने को। इसलिए नई पौध और नए फारिगीन को तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपनी जमात के बुजुर्ग उलमा से जरूर इल्तिजा और अपील करेंगे। संभाल सकते हो तो अपने आने वाली नस्लों को संभाल लीजिए, वरना दो इजलास हुए इस इलाके में, दो मुफ्ती आरिफ साहब जिनका बाप मुफ्ती आजम का मुरीद था, उसका पूरा खानदान गया है जमात के दुआ में, पूरा खानदान गया है। मर चुके हैं हम, सिर्फ लाश बची है लाश। हम चंदाखोरों की लिस्ट में नाम लिखवा चुके हैं, भूल चुके हैं कि भरोसा करके बुजुर्गों ने सर पे पगड़ी बांधी थी। किसको दौलत नहीं चाहिए, कितनी दौलत चाहिए, क्या करेंगे लेकर, जब मरने के बाद बेटा ही मेरी कब्र पर फातिहा ना पढ़ सके। इसलिए इल्तिजा है, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं अपने को। एक मीटिंग हुई है साहब, आठ अगस्त को हनफिया में, हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की सदारत में एक मीटिंग हुई थी खानकाह चिश्तिया में, मुफ्ती शब्बीर साहब अशफी की सदारत में। दूसरी फिर मीटिंग हुई हनफिया में, तीसरी मीटिंग फिर हुई जिसमें कमेटी भी बनी। क्या हुआ, क्या हुआ? मस्जिदें हम बनाते हैं, दूसरे लेते हैं, मदरसे हम खोलते हैं, अराकीन कोई और होता है। वक्फ में जमीन हमारे बाप दादा दिए सवाब के लिए, मालिक कोई और बनता। जहेज और तिलक की लानत ने कहां पहुंचाया है। हर आलिम इससे मुतासिर है, हर आलिम, हर घर। लेकिन जब इसी इलाके में जहेज के खिलाफ कोई गुफ्तगू होती है तो पब्लिक से आवाज आती है, हमारे उलमा खुद ही ले रहे हैं तो हम क्या करें। इसका कोई जवाब है तो दे दीजिए। जब ये जुमला निकलता है पब्लिक से तो लगता है जमीन फट जाए, धंस जाए हम। इसलिए दारुल कजा एक बड़ा बुनियादी मसला है। जहेज को रोकने के लिए जो तहरीक चली है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो दावत दे रहा हूं, जाइए जहां जहां इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का इजलास हुआ है, जाइए। बड़े बड़े करोड़पतियों की औकात के रख दिया वहां के नौजवानों ने, मजा ले कोई डीजे बजा और पटाखा फोड़ देगा। जब तक गांव में हमारी कमेटी नहीं बनेगी, जब तक हम अपनी मस्जिद नहीं गिनेंगे, जब तक हम मस्जिदों के सदर सिगरेटी को लेकर नहीं बैठेंगे, तब तक तकरीर करके हम
नफ्स को तो खुश कर सकते हैं कि नारा खूब लग गया, रिजल्ट हम जमीन पर नहीं उतार सकते। इसलिए इन सारे एजेंडों पर अगर लगता है आपको, अगर लगता है आपको कि काम होना चाहिए, और अंदर से खुद का जमीर अगर इस बात की रजामंदी दे रहा है कि नहीं अब काम करना चाहिए, तो जितनी पुरानी कब्र खोदेंगे उतने ही बड़ा मुजरिम निकलेगा। इसलिए न पुरानी कब्र खोदें, न मुजरिमों का सामना हो। माजी पर सर पटकने से बेहतर है मुस्तकबिल पर तज़किरा किया जाए। और इन सारे मुद्दों और एजेंडों को कैसे हम लोग उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते हैं, हिम्मत है कि नहीं है, है तो क्या करेंगे, नहीं है तो दुआ करें आप भी अपने घर, मैं भी चलूं पटना। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। मॉब लिंचिंग पूरे मुल्क में आम हो रही है, और आप मुतमईन हैं कि आपके टोपी और दाढ़ी की हिफाजत हुकूमतें करें। एक आदिवासी के बेटे के मुंह पर पेशाब कर दिया किसी समाज दुश्मन ने तो पूरा मुल्क खड़ा हो गया, और ट्रेन में टोपी दाढ़ी देखकर सूट कर दिया वर्दी पहनने वाला, मुल्क के किसी कुत्ते की भी आंख नहीं खुली। तो अगर खुद को जिंदा रहने के लिए पैदा लिए हैं तो आपसे कोई शिकायत नहीं। अल्लाह वो सारे ऐश का सामान आपको अता कर दे, आप जी लीजिए। लेकिन जिंदगी के अंदर एहसास है कि मेरे मरने के बाद असलाफ की छोड़ी हुई दीन की, मजहब की, मिल्लत की, मसलक की, अकीदे की विरासत न मरने पावे, तो तय कीजिए, सर जोड़िए। दिन भर मौलाना मुमताज अशरफी के साथ में पागल की तरह खेत घूमता था, एमएलसी रहने के बाद बाइक से घूमते रहा कि एक दारुल कजा की बाजाबता अपनी जमीन पर ऑफिस हो, जहां जिले के हर प्रखंड के लोग इकट्ठा हो। मस्जिदें हमारी हैं, मुतवल्ली कोई और है, इदारे हमारे हैं, सिगरेटी कोई और है, जमीन मेरे बाप दादा ने दी है मस्जिद और मदरसों के लिए, मालिक कोई और है। हमारा आलिम मजबूर हो जाता है, या तो समझौता कर लेता है, जमीर मर जाता है तो समझौता करता है, जमीर में जिंदगी रहती है तो बगावत करता है। यही दो हो रहा। तब अगर आप हजरात की राय है, मंशा है कि इदारे शरिया की जरूरत है और होना चाहिए, यह कोई मदरसा नहीं है कि आपके मदरसे का चमड़ा हमको चाहिए, यहां कोई आलिम फाजिल हाफिज की तालीम नहीं होने जा रही है कि जकात के पैसे आपके मोहल्ले से हम वसूल के ले आएंगे। अल्लाह का शुक्र है पटना में थोड़ी सी सियासत में थोड़ी सी जगह मिली तो 12 कट्ठा जमीन पर फलक बोस इमारत बना खड़ा कर दिया। मरेंगे तो अपनी कब्र में ले जाएंगे क्या कि मेरे खानदान के किसी बच्चे को वहां से रोजगार लेना। बुजुर्गों ने भरोसा किया, हमने आखिरी सांस तक कोशिश की है कि जो एतमाद रईसुल कलम ने मुझ पर किया है, हम टूटे तो टूटे, हमारे बुजुर्गों का भरोसा हमसे नहीं टूटना चाहिए।
वरना कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 15 दिन पहले मुफ्ती साहब 15 दिन पहले डाल्टनगंज गया था, इसी तरह हॉल में मीटिंग थी। सैयद रजी अहमद वहां हमारा नौजवान आलिम सदर है, 2.5 लाख का मजमा जमा हुआ था, 2.5 लाख का तहरीके बेदारी के इजलास में 2.5 लाख का मजमा जमा हुआ था। पूरी झारखंड हुकूमत पागल की तरह से बिफरी हुई थी। उस वक्त मैंने कहा था इंची टेप से नाप कर अपनी नस्लों का हिस्सा ले लूंगा, याद रखना। अल्लाह का शुक्र है जब उतरे हैं मैदान में तो देने वालों की कमी नहीं है। करीब करीब हमको 20 कट्ठा जमीन मिल गई है, 20 कट्ठा, और एक प्रोजेक्ट पड़ेगा, मदरसा नहीं होगा, सिर्फ एक एजुकेशनल। आज मेरी कौम का पैसा वाला अपनी बच्चियों को दिल्ली पटना, वो कौन सी जगह हजरत, और जहां नीट की तैयारी कराता है, राजस्थान में कोटा, पैसा दे करके डॉक्टर तो बना दे रहा, अंदर कई सलाम दफन हो रहा। इर्तदाद की शिकार हो रही है बेटियां, एक मंदिर के पैसे से इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा हो गया बिहार में। लेकिन जिन दरगाह और मजारों पर सालाना करोड़ों करोड़ रुपया जमा होता है, आज तक हम एक क्लिनिक नहीं बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह रबी लोबल शरीफ के बाद उस 20 कट्ठा जमीन पर हमने तहरीक चलाई है कि हमें 150 आदमी ऐसा चाहिए जो साल का सिर्फ 10,000 रुपया दे दे। मैंने मीटिंग में शुरू किया, तकरीबन 60 आदमी मिल गया। लोगों ने कहा बलियावी साहब जिस दिन ईंट रख दोगे ना उस दिन 150 की बात कर रहे हो, 1,500 लोग खड़ा हो जाएंगे। और उसका सिर्फ एक मोटिव है। ए बाबू कुर्सियां इधर दीजिए, तशरीफ लाए हजरत, ए बेटे एक कुर्सी लगवाओ, कि हम किस तरह से अपने बच्चों को मदरसों में, एक से एक जीनियस बच्चे तैयार हो रहे हैं। लेकिन यतीमखाना से निकला, यतीमखाना में चला गया, बन के आया मुफ्ती, इमामत करने पर मजबूर है गांव में, बनकर आया बेहतरीन कलमकार जर्नलिस्ट, लेकिन मजबूर है कि उसकी लिखी हुई किताबें छापेगा कौन। तो हम अगर सिर्फ बिरयानी खोर होते तो काम चल जाता, हम तो नस्ल खोर हो चुके हैं। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा कि आप हजरात अपनी राय भी दे दें। कुछ तल्ख जुमले मैंने कह दिए चूंकि बहुत जब्त किया, और ये रुदादे दर्द में इसलिए उबल पड़ा है कि वो सारे जिम्मेदार चेहरे आज अल्हम्दुलिल्लाह हैं, वो सुने ना सुने हम अपने दर्द को तो बयान कर दिए। अगर उनको लगता है कि अब सवेरा हो गया है तो सर जोड़ करके आज बैठें और काम का आगाज करें। जिस दिन हम ब्लॉक वाइज पॉकेट बनाकर निकल जाएंगे ना, तो 30 दिन लगते लगते पूरे जिला में चारों तरफ सिर्फ एक झंडा दिखाई देगा, वो बरेली के इमाम अहमद रजा के वजीफे इश्क का झंडा होगा और मेरे बुजुर्गों की तारीख का झंडा होगा। तो ये मेरी तरफ से इल्तिजा है, आप जो मशवरा देंगे। क्या नाम बाबू?
हजरत मौलाना अहमद शब्बीर साहब भी हैं, और एक साहब कौन, हजरत मौलाना अबू जर साहब अल्तमश रजा। इस मीटिंग को आनन फानन में तलब की गई 20 रोज पहले। हम शुक्रगुजार हैं अपने आलिमों की तरफ से, जनाब अनवर बाबू का। जैसे ही मेरे उलमा ने कहा कि ये मीटिंग होनी चाहिए, उसी वक्त उन्होंने कहा कि मैं हॉल का इंतज़ाम करता हूँ। हज़रत अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम जाबिर शम साहब भी थे, हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब भी थे। हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब के साथ साथ हमारे कारी मोहसिन हाफिज़ मोहसिन साहब भी थे, मौलाना अबू ज़र भी थे, मौलाना अब्दुल रशीद भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग उस वक्त मैसर हुए, मौलाना हसनैन साहब ने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की और आज की तारीख तय हुई। हुआ कि साहब नशिस्त लंबी चलेगी लोगों के खाने का। मौलाना अबू जफर ने कहा कि हज़रत ये खिदमत मैं करूँगा। अंदर से एहसास हुआ कि अभी ज़िंदगी बची है, अगर हम इसको बचा लिए गए ना तो अभी उतना नहीं जले हैं जिससे मेरी पहचान मिट जाए, इतना हिस्सा भी बचा हुआ है कि अगर उसको भी बचा लेंगे तो मेरी पहचान बच सकती है। तो मैं गुजारिश करूंगा जो जहां हैं वहीं से नाम लेकर के ऐलान न करना पड़े, आप खुद ही हाथ उठा दें, माइक आप तक पहुंच जाएगा। और मेरे ख्याल से इस नवयत की इस नहज इस तरतीब के साथ शायद पहली मीटिंग हो रही होगी, शायद पहली मीटिंग हो रही होगी। तो जलसा नहीं, किसी की तारीफ नहीं, न पुरानी कब्र खोदें, करना क्या है इस पर आप अपनी राय देकर हो सके तो मिशन को मजबूत कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। एजेंडा पूछ लीजिए।